प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है। रविंद्र की डायरी। बंद करो, डॉक्टर चेक कर रही है ना भाभी का। अब परेशान की कोई बात नहीं, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और अब इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर, दीदी को होश कब आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर मामा ने कुछ भी नहीं खाया, रात को थोड़ा सा जूस पिया था बस। हाँ, इसीलिए थोड़ी कमजोरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जब इन्हें होश आए तब कुछ खिला दीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात का खास ख्याल रखना होगा, इनके सामने कुछ ऐसी बात मत करना जिससे इनको मानसिक तनाव हो, क्योंकि जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ है उससे इनको गहरा सदमा लगा है। हाँ डॉक्टर, हम जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। बुआ, आप मामा के साथ ही रहना, मैं दादाजी को बता के आती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। कल चौथा है और ये बात हम दीदी को ना ही बताएं तो अच्छा होगा, है ना? का मुझे तुमसे एक जरूरी बात करने दे। डायरी में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं हो रहा। दिल कहता है विश्वास ना करो और दिमाग कहता है जो लिखा है वही सच है। डायरी में हैंडराइटिंग तो रविंद्र की ही है, उसी ने लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो लिखा हुआ है वो अगर सच है तो तरह लगती है मुझे, जिसे मेरे घर वाले आज तक समझ नहीं पाए। सोच रहा हूं ये बात बाबूजी को बता दूं कि दमयंती एक बार मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर चुकी है। कैसे मान लूं मैं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दमयंती ऐसा कर सकती है रविंद्र को जहर देकर? दादाजी, दादाजी डॉक्टर ने कहा है कि
हुआ दादाजी? दादाजी क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? दादाजी क्या हुआ? जिस बाप के सामने उसका बेटा मर जाए। दादाजी कुछ तो वक्त लगेगा ना अपने आप को संभालने में, फिर अपने बेटे के बिना जीना सीख लूंगा मैं। कल रविंद्र भैया का चौथा है, शहर के बहुत से लोग घर पर आएंगे। तुम्हारा और भैया का जो भी रिश्ता था, ध्यान रखना वो लोगों तक ना पहुंचे। ये बात घर के अंदर रहे वही बेहतर है। ये बात घर के अंदर कैसे रह सकती है? नहीं मोहिनी, अब ये बात तो आग की तरह फैलेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ। रविंद्र ने मुझे अपना नाम दिया है, वो भी मेरे पापा के सामने, इसी घर में सबके सामने मुझे अपनी पत्नी माना था, तो ये बात कैसे छुपी रह सकती है? पानी। दमयंती, मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर कर दूंगी कि तुम पानी भी नहीं मांग पाओगी। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं भैया। पापा की याद आ रही थी। सीमा संभालो अपने आप। कैसे संभालू भैया, एक तरफ माँ अपना सब कुछ खो बैठी है और दूसरी तरफ दादाजी। पापा क्यों छोड़ के चले गए भैया, क्यों छोड़ के चले गए? माँ बस करो, ना मुझे भी रोना आ जाएगा। भैया पापा के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चले गया, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए भैया, बिल्कुल अकेले पड़ गए। ऐसा मत कर। देखो अब हमें अपने आप को संभाल कर माँ का ख्याल रखना है। चलो अब रोना बंद करो, अंदर चलो। ये समीर दमयंती की ताकत बनता जा रहा है और मुझे उसकी इस ताकत को तोड़ना होगा, और इसलिए मुझे
मुझे टीना को इस घर में बहू बनाकर लाना होगा और वो भी जल्दी। रेणुका, टीना, टीना कल रविंद्र जी का चौथा है और तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं? पर क्यों? समीर के लिए, उसे अच्छा लगेगा। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ। मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आया था, मैंने उन्हें जूस भी पिलाया था, लेकिन सुबह पता नहीं अचानक क्या हो गया, मामा की तबीयत खराब हो गई, वो फिर से बेहोश हो गई। इन्होंने जो कुछ भी पुलिस स्टेशन पर देखा, शायद इन्हें वो याद आ गया होगा। लेकिन डॉक्टर, मामा की हालत इस तरह कब तक रहेगी? देखिए, इतने बड़े सदमे से बाहर निकलने में वक्त तो लगेगा ना। आज पापा का चौथा है और मामा की हालत। सिवा, देखो, डॉक्टर ने कहा ना कि भाभी ठीक हो जाएंगी, और अगर ऐसे तुम यहाँ रोगी तो भाभी डिस्टर्ब होंगी, हो सकता है उनकी हालत और बिगड़ जाए। मैं एक बात आप सबसे फिर कहूंगी कि इनके होश में आने तक एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि इन्हें चौथे के बारे में कुछ पता ना लगे, वरना। सिवा प्लीज, आप इन्हें बाहर ले जाइए। चलो चलो बाहर, चलो सीमा। अच्छा, मैं चलती हूँ। यस डॉक्टर। सीमा, पता नहीं आज तुम्हें बहू कहते हुए भी कैसे मान लूं। मेरे घर की लक्ष्मी बहू और खूनी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो डायरी में क्या सोचूं, क्या समझूं? हे भगवान, ये क्या क्या दिन दिखा रहे हो? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जैव मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदी रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। यम प्रप्रजनन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मया तन्वे विनेदु सम्भूतिर्धियं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जैव मुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिनी शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मुक्तिरूपेण शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु इन्द्रारूपेण शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तारूपेण शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नतिरूपेण शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमें बाहर वाले लोग आते ही होंगे और आप मुझे अपने सिंदूर को भाभी सब लोगों का विश्वास चाहे उठ गया हो लेकिन मेरा विश्वास जिंदा है, हारा नहीं है मेरा विश्वास। और मुझे विश्वास है कि मेरे पति जिंदा है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो जिंदा नहीं है। मेरा सुहाग ही मेरा विश्वास है और वो मर नहीं सकता। आप लोग चाहे माने ना माने मैं जानती हूं वो वापस आएंगे। वो वापस जरूर आएंगे। सिंधा लोगों की तस्वीरों पर हार नहीं चढ़ाए जाते। मेरे पति जिंदा है, मेरा सुहाग जिंदा है। सुन रहे ना आप लोग, मेरे पति जिंदा है वो। बाबूजी आपके बेटे जिंदा है तो फिर ये सब क्या है? समीर बच्चे पापा जिंदा है, तुम्हें तो यकीन है इस बात का? तुम्हें भी विश्वास नहीं कि वो जिंदा है? तुम्हें शिव क्या हो गया है? आप लोगों को क्या हो गया है? ये सब क्या है? मेरे पति जिंदा है, कोई कुछ भी कहे मैं जानती हूं कि वो जिंदा है। और जिंदा इंसान का चौथा नहीं हो सकता।
इस घर में उनका चौथा चौथा अपने पति का चौथा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी मैं।